हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीत केमिस्ट्री। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये हमारे पास में सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज इंटू प्रोडक्ट ओनली इफ हमारे पास में कोई भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के अंदर तभी डिकम्पोज होगा जब उसके पास में कोई ना कोई वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर उसके पास में क्या होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि लेट अस सपोज ए और बी मेरे पास में कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट के अंदर चेंज करने से पहले क्या बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और उसके बाद में क्या होती है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अब जो ये ट्रांजिशन स्टेट है ये हमारे पास में क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। ट्रांजिशन स्टेट ये हमारे पास में क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। ट्रांजिशन स्टेट बोले या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोले, ये प्रोडक्ट के अंदर कब चेंज होगी, जब हम इसको क्या करेंगे, कुछ अमाउंट वाइब्रेशनल एनर्जी देंगे तभी क्या होगी, प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगी। ग्राफ ग्राफ से चेक करते हैं। ग्राफ के अंदर हमारे पास में क्या है, ए और बी लेट अस सपोज ये हमारे पास में रिएक्टेंट है, उसके बाद में क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। फिर ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट के अंदर कब चेंज होगी, जब हमारे पास में कोई ना कोई कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी होगी तभी किसके अंदर चेंज होगी, प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगी। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि कोई एग्जाम्पल लेके चले कि H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, इट मीन्स H+H है, उसके बाद में हमारे पास में क्या आएगी, इसकी एक ट्रांजिशन स्टेट भी आएगी और ट्रांजिशन स्टेट के बाद में प्रोडक्ट के अंदर इसकी फॉर्मेशन कब होगी, जब हमारे पास में कोई ना कोई सर्टेन अमाउंट की फ्रीक्वेंसी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। क्या बोल सकते हैं, H2 goes these atom to vibrate with a certain critical frequency which ultimately result in formation of the product। हमने क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कोई भी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करने के लिए। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि रेट किस किस पर डिपेंड करता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर रेट किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। इट मीन्स क्या है कि हमारे पास में एक तो वाइब्रेशनल एनर्जी पर डिपेंड करता है कि कोई ना कोई अमाउंट एनर्जी की होगी तभी किस में होगा, प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा। और एक आपको पता ही है रेट कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है, ये तो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं कि रेट हमारे पास में कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, बट उसके साथ में किसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, आपके पास में फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन तो रेट का फैक्टर ऑलरेडी है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर एडिशनल क्या है, एडिशनल हमारे पास में फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अंदर रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन इनटू फ्रीक्वेंसी, यही हमारे पास में क्या हुआ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अंदर रेट होगा। अब हमारे पास में जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन किसकी है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आया है इसी की ये हमारे पास में क्या है, कंसंट्रेशन। देखते हैं कैसे, आप देखिएगा रेट क्या होगा, कंसंट्रेशन इनटू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। कंसंट्रेशन किसकी है, ए और बी के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की इनटू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमें इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को देखना है कि ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है। अब हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी आपके पास में क्या होती है, H μ वाइब्रेशनल होती है। एक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, KBT होती है, K आपको पता है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। और KB की वैल्यू आपके पास में होती है R/NA, और R आपको पता है क्या होता है, R एक गैस कांस्टेंट होता है और NA क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। अब KBT को R/NA क्यों लेते हैं, इसके पीछे भी आपके पास में रीजन है कि आप कैसे लेते हैं। अब आपको पता है कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। लेकिन R/NA, R क्या आपके पास में गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन पर मोल। NA क्या, एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर किस में लिया जाता है, पर मोल के अंदर लिया जाता है। साथ में क्या आपके पास, ये तो किसकी यूनिट है, KB की है, साथ में क्या है, T है, अगर T किस में आता है, केल्विन में आता है। अब केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट, मोल से मोल कैंसिल आउट, इट मीन्स रिमेनिंग क्या आपके पास में, जूल है। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी को R/NA इंटू टी भी बोल सकते, ठीक है, या KBT बोले या R/NA बोले। अब इन दोनों को, ये इक्वेशन सेकंड आपके पास में, ये वाले इक्वेशन फर्स्ट आपके पास में, दोनों को इक्वेट करते हैं, इट मीन्स क्या आएगा, H μ इज इक्वल टू KBT, इट मीन्स μ इज इक्वल टू KBT / H।
ये हमारे पास में क्या होती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होते हैं इन फॉर्म ऑफ ए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब रेट क्या होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, यहाँ से रेट होगा हमारे पास में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, रेट इज इक्वल टू ए बी ट्रांजिशन स्टेट के बी टी बाय एच। ये आपके पास में रेट होता है किसका, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, जहाँ से अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे पढ़ते हैं, ये हमारे पास में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, उसके बाद में किसकी फॉर्मेशन हुई है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। इट मीन्स कि आपके पास में कोई भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के अंदर कब चेंज होता है, जब उसके अंदर कोई ना कोई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के अंदर तभी कन्वर्ट होता है जब उसके अंदर कोई ना कोई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। इट मीन्स क्या होता है कि वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसलेशनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, तब हमने क्या पढ़ने हैं उसके अंदर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने। अब अगर हम सिंपल बात करें लीनियर मोलिक्यूल का, एक साइड लेकर चलते हैं नॉन लीनियर मोलिक्यूल, ठीक है। लीनियर मोलिक्यूल के अंदर हम पढ़ के आ चुके छोटी क्लासेस के अंदर 3N-5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सॉरी 3N होते हैं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3N-5 होते हैं। अगर हम नॉन लीनियर की बात करें तो उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉरी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3N-5 होते हैं, ठीक है। अब लीनियर की बात करते हैं, ट्रांसलेशनल लीनियर के अंदर 3 होंगे बट नॉन लीनियर के अंदर भी 3 होंगे। रोटेशनल आपके पास में लीनियर के अंदर 2 होते हैं, नॉन लीनियर के अंदर 3 होते हैं। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3N होते हैं और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं 3N होते हैं। याद रखने का तरीका क्या है, लीनियर एक छोटा मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर के अंदर लीनियर के आगे नॉन भी लगा जाता है, हल्का सा बड़ा हो जाता है, बड़ा है तो क्या लिखेंगे 3N-6 बोल देंगे, 3N-5 बोल देंगे। अगर ट्रांसलेशनल दोनों के अंदर सेम ही है, रोटेशनल के अंदर अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग है, बट अगर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल काइनेटिक के अकॉर्डिंग बात करें हम, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, ठीक है। अगर वाइब्रेशनल एनर्जी है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर लीनियर मोलिक्यूल है तो आपके पास में आएगा 3N-6 और अगर नॉन लीनियर मोलिक्यूल है फिर हमारे पास में क्या आएगा 3N-7। क्यों, एक वाइब्रेशनल आपने क्या किया, एक वाइब्रेशनल को आपने इसके अंदर से क्यों माइनस किया है, 3N-5 था आपके पास में, फिर आपने एक को माइनस किया है। ये माइनस करने का मीनिंग क्या है, यहाँ पर एक लूज वाइब्रेशन है, क्योंकि जिसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंज होता है प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है, यहाँ पर एक लूज वाइब्रेशन है जिसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है। इट मीन्स यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे आपके पास, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3N-6 होंगे। ऐसे नॉन लीनियर के अंदर भी क्या होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो नॉन लीनियर के साथ में आपके पास में क्या आएगा 3N-6 आपके पास में होता है, बट एक लूज वाइब्रेशन है, इट मीन्स क्या आ जाएगा 3N-7 आएगा। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है कि आपके पास में बोल दिया जाए कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और लीनियर मोलिक्यूल है, तो लीनियर के साथ में आपने 3N-6 को यूज़ करना है, और अगर नॉन लीनियर मोलिक्यूल बोला जाए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ में, तब आपने क्या यूज़ करना है 3N-7 यूज़ करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्वेश्चन आता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ में। यहाँ से आपके पास में एक दो बार क्वेश्चन आया भी है और आने के चांसेस भी है। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट के अंदर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।